क्या आपको पता है मार्वल कॉमिक्स में हल्क के कितने वर्जन्स हैं? अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि कॉमिक्स में हल्क के 20 से ज्यादा वर्जन एग्जिस्ट करते हैं, और आज हम सारे वर्जन्स को एक एक करके जानने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट है ग्रे हल्क। अब इस वर्जन से मार्वल कॉमिक्स में हल्क की जर्नी स्टार्ट हुई थी, मतलब जैक कर्बी का सबसे पहले बना हल्क यही था। ग्रे हल्क भी गामा रेडिएशन से एक्सपोज हो गया था, पर ये वर्जन हल्क तो बन जाता है, पर आज जिस हल्क को हम जानते हैं ये उसके आसपास भी नहीं आता है पावर लेवल में, क्योंकि ग्रे हल्क के पास सिर्फ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी थी। बाकी ना तो ये जंप कर पाता था, ना ही ये इम्यून था डिजीज और बैक्टीरिया से, और ना ही ये तेज भाग सकता था, इसलिए इसे हल्क के सबसे कमजोर वर्जन्स में से एक बोला जाता है। नंबर 2, ज़ोंबी हल्क। अब ये वाला हल्क मेन यूनिवर्स से नहीं बल्कि अर्थ 2149 से है। बेसिकली वह प्लैनेट अर्थ पर अचानक ज़ोंबी वायरस फैल जाता है, और सुपर हीरोज के साथ सुपर विलन्स भी ज़ोंबी बन जाते हैं। निक फ्यूरी ब्रूस बैनर से हेल्प लेने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि हल्क निक फ्यूरी के पास पहुंचता, फैंटास्टिक फोर हल्क को काट के ज़ोंबी बना देता है, और लगभग 40 साल हल्क ज़ोंबी बना रहता है। इस बीच वो ना जाने कितने लोगों को इन्फेक्ट करके खा लेता है, पर टाइम के साथ ज़ोंबी हल्क पतला हो रहा था क्योंकि वायरस की वजह से वो अपनी बॉडी को हील नहीं कर पाता है। लेकिन एक दिन ब्रूस बैनर इस वर्जन को कंट्रोल कर लेता है और खुद को बाकी ज़ोंबीज के हाथों मरवा देता है, क्योंकि ब्रूस बैनर को पता था कि हल्क को बॉडी का फुल कंट्रोल मिल गया तो वो अनस्टॉपेबल हो जाएगा, और जितने लोग अभी जिंदा बचे वो भी ज़ोंबी बन जाएंगे। नंबर 3, अल्टीमेट हल्क। अब ये वाला हल्क अल्टीमेट यूनिवर्स है, और इसकी ओरिजिन भी डिफरेंट है। बेसिकली इस यूनिवर्स में ब्रूस बैनर एक सुपर सोल्जर बनना चाहता था, ठीक कैप्टन अमेरिका की तरह, क्योंकि उसकी बॉडी भी कमजोर थी। पर जहां मेन यूनिवर्स में ब्रूस सुपर सोल्जर सेरम में गामा रेडिएशन यूज करता है, वही इस यूनिवर्स में ब्रूस गामा की जगह एडामेंटियम यूज कर देता है, जिसके साइड इफेक्ट की वजह से अल्टीमेट हल्क का कलर ग्रे हो जाता है। इसके पास वो सारी एबिलिटीज है जो एक हल्क के पास होनी चाहिए, पर कुछ एबिलिटीज अलग है, जैसे इस वर्जन की बॉडी अपने हड्डियों को अपने आप अडेप्ट करती है सिचुएशन के हिसाब से। इसलिए अगर ये वाला हल्क किसी ऐसी जगह पर चला जाए जहाँ ग्रेविटी का फोर्स बहुत ज्यादा है, तब भी इसकी बॉडी को कुछ नहीं होने वाला। पर इस हल्क की दो वीकनेस है। पहले कि इस वर्जन ने परफेक्ट सुपर सोल्जर सीरम नहीं ले रखा था, इसलिए कभी कभी इस हल्क का दिमाग काम करना बंद कर देता है। और दूसरी वीकनेस है एडमेंटियम। इस मेटल की एक सुई भी हल्क का गला काट कर उसे मार सकती है, इसलिए ये वाला हल्क उस बंदे से पंगे नहीं लेता जिसके पास एडमेंटियम हो, जैसे वुल्वरिन और कैप्टन अमेरिका, क्योंकि कॉमिक की शील्ड वाइब्रेनियम और एडमेंटियम से बनी है। नंबर 4, माइंडलेस हल्क। अब अगर आपको याद हो तो डॉक्टर स्ट्रेंज का एक सुपर विलन है जिसका नाम था नाइटमेयर। अब सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है जो इससे परेशान है, इसने हल्क को भी एक बार नहीं छोड़ा था। एक इवेंट के दौरान नाइटमेयर हल्क के अंदर से ब्रूस बैनर की पर्सनालिटी को शट डाउन कर देता है, लेकिन उसकी वजह से हल्क की जो सोचने समझने की ताकत है वो भी खत्म हो जाती है, और तब हमें हल्क का माइंडलेस वर्जन देखने मिलता है। इस वर्जन के पास बिल्कुल सोचने समझने की एबिलिटी नहीं है, यह अपनी स्ट्रेंथ को फुल पोटेंशियल पर यूज करता है क्योंकि इसे नहीं पता कि कहां पर कितनी ताकत का इस्तेमाल होना चाहिए, और ये बहुत जल्दी किसी के भी इन्फ्लुएंस में आ जाता है क्योंकि बैनर तो शट डाउन हो चुका है, और एक ऐसा क्रिएचर जिसके पास दिमाग ही नहीं है उसे क्या पता क्या करना सही है और क्या करना गलत, और इसी वजह से कई सारे क्रिमिनल्स ने हल्क को यूज किया था अपने एनिमीज को मारने के लिए। नंबर 5, गिल्ट हल्क। अब ब्रूस बैनर के जो फादर थे वो ब्रूस को काफी ज्यादा टॉर्चर किया करते थे, एक टाइप से वो ब्रूस को पसंद नहीं करते थे, पर ब्रूस बैनर के दिमाग में अपने फादर को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। और एक दिन जब ब्रूस बैनर को एक आदमी हिप्नोटाइज कर देता है, तब ब्रूस बैनर को पता चलता है कि उसके अंदर 3 पर्सनैलिटी है, पहली सैवेज हल्क की, दूसरी जो फिक्सेट की, और थर्ड गिल्ट हल्क की। ये वाला वर्जन एक डीमन और एक ड्रैगन का कॉम्बिनेशन लगता है। इसके पास बड़े बड़े नाखून है और ये अपने मुंह से आग उगलता है, पर इस वर्जन का सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि ये अपने ब्रूस बैनर के दिमाग में रहता है, रियल दुनिया में आने के लिए इसके पास कोई रास्ता नहीं है। नंबर 6, ब्लू हल्क। अब मार्वल कॉमिक्स में एक यूनिपावर नाम से कॉस्मिक एनर्जी है जो यूनिवर्स में घूमती रहती है, और जो इसके लिए वर्दी होता है यूनिपावर टेम्परेरी बेसिस पर उस बंदे को कैप्टन यूनिवर्स बना देती है। और ऐसा ही एक टाइम पर हल्क के साथ हुआ था। यूनिपावर ने एक बार हल्क को चुना था और कॉस्मिक पावर से हल्क का कलर ब्लू बन गया था। ये वाला वर्जन हल्क की सबसे पावरफुल वर्जन में से एक है क्योंकि इसके पास रियलिटी मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन और यूनिवर्स में लाइट स्पीड से ट्रैवल करने की एबिलिटी है। हालांकि हल्क ने ना के बराबर कॉस्मिक पावर को यूज किया था, और ब्लू हल्क हमें सिर्फ एक ही बार देखने मिला, इसलिए ज्यादा लोग इस हल्क के बारे में जानते तक नहीं है। नंबर 7, स्पेस पनिशर हल्क। अब ये वाला हल्क अर्थ 12091 से है, और इस हल्क की खास बात ये है कि इसकी 4 हाथ है। स्पेस पनिशर हल्क एक ऐसा हल्क है जिसमें रैम नाम की चीज नहीं है, ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन करना जानता है।
इसने हल्कबस्टर, डेडपूल, सेबरटूथ से लेकर फैंटास्टिक फोर को मारा है, और अगर ये कम लगे तो इसने वॉचेस तक को मार रखा है। अब हम सबको पता है कि वॉचेस कितने पावरफुल बींग्स होते हैं, लेकिन स्पेस पनिशर हल्क के सामने इनकी एक नहीं चली। वैसे स्पेस पनिशर हल्क बाकी हल्क से थोड़ा अलग है, क्योंकि दूसरे हल्क ब्रूस बैनर की एक पर्सनैलिटी है, लेकिन स्पेस पनिशर हल्क एक अलग बींग है। ब्रूस बैनर पनिशर हल्क के अंदर कैद होता है, ठीक जैसे टोनी स्टार्क अपने ऊपर मेटल का सूट पहनता था, वैसे ब्रूस बैनर के ऊपर हल्क की बॉडी थी। नंबर 8, इनक्रेडिबल हल्क। अब इस हल्क को हम कॉमिक्स में देखते रहते हैं, क्योंकि ये मेन यूनिवर्स वाला है। इसकी स्पेशल बात बस ये है कि ये जितना गुस्सा होता है उतना ये पावरफुल बनता चला जाता है। और रही बात इसके कैरेक्टर डिफीट्स की, तो इसने ना जाने कितने सुपर हीरोज और सुपर विलन्स को बहुत बुरी तरीके से कूट रखा है। ये टाइम को पंच कर चुका है, ड्रैगन को मून पर फेंक चुका है, माउंटेन लिफ्ट कर चुका है, ग्लैडिएटर, रेड हल्क और स्कार जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स को भी लगभग जान से मार चुका है। एमसीयू में भी इनक्रेडिबल हल्क एग्जिस्ट करता है, मतलब करता था 2008 से लेकर इन्फिनिटी वॉर तक, और उसके बाद हल्क वापस इनक्रेडिबल हल्क कब बनेगा वो राज उसी के साथ चला गया। नंबर 8, कॉस्मिक हल्क। अब कॉस्मिक हल्क को कई नाम से बुलाया जाता है, जैसे रोबोट हल्क, इटर्नल्स रोबोट, नियो हल्क और भी बहुत नाम है, पर यह हल्क का जीता जागता वर्जन नहीं है, बल्कि यह हल्क का एक रोबोट है जिसे मैरीलैंड इंस्टीट्यूशन के दो स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाया था। वैसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, पर इटर्नल्स जब यूनिमाइंड को समन करते हैं तब इस रोबोट में कॉस्मिक पावर आ जाती है, जिसकी वजह से यह जिंदा हो जाता है, पर बाद में इटर्नल्स इसे न्यूट्रलाइज करके ओलंपिया में रख देते हैं। पर बाद में इस रोबोट को यूज किया जाता है दुश्मनी पूरी करने के लिए, जिसे एक बार इसे डॉक्टर डूम को मारने के लिए भेज दिया था, लेकिन बदले में डॉक्टर डूम इसे तोड़ फोड़ के वापस भेज देता है। फिर एक बार रेड हल्क से फाइट करने के लिए भी इसे ऑर्डर मिला था, लेकिन टाइम के साथ ये वर्जन कॉमिक्स के पन्नों में खो गया। नंबर 9, हल्क 2099। अब 2099 के कई सारे सुपर हीरोज के वर्जन हमने देख रखे हैं, जैसे स्पाइडरमैन और थोर, पर कॉमिक्स में हल्क का भी 2099 वर्जन है। ये वाला वर्जन 928 यूनिवर्स से है, और ये हल्क ब्रूस बैनर नहीं बल्कि जॉन आइजनहार्ट नाम का एक बंदा है। बेसिकली इस यूनिवर्स में 2099 आते आते सारे सुपर हीरोज मारे जाते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनी दुनिया पे रूल करती है, और अब लोग परेशान हो चुके अपनी जिंदगी से, इसलिए चेंज लाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन गामा रेडिएशन पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देती है। और जब जॉन गामा रेडिएशन के कांटेक्ट में आता है वो हल्क बन जाता है। अब भले ही ये फ्यूचर का हल्क हो, पर उसके पास सिमिलर पावर है जो अपने मेन यूनिवर्स के हल्क के पास होती है, और इसमें कोई स्पेशल बात भी नहीं है। इसलिए अब बढ़ते हैं अगले वर्जन की तरफ, जो है नंबर 10 पर, प्रोफेसर हल्क। अब मूवीज की तरह कॉमिक्स में भी ब्रूस बैनर ने हल्क की बॉडी और बैनर के दिमाग को एक कर दिया था। इसे हल्क की ताकत में तो कोई फर्क देखने नहीं मिला, पर इस एक्सपेरिमेंट की वजह से हल्क के पास सोचने समझने की ताकत आ गई, और वो भारी भरकम एलियन वेपन चलाना जानने लग गया। मूवीज में इसका नाम प्रोफेसर हल्क है, पर कॉमिक्स में इसे द प्रोफेसर कहा जाता था। नंबर 11, डेविल हल्क। अब डेविल हल्क एक ऐसा वर्जन है जो ब्रूस बैनर के माइंड में तब बना था जब ब्रूस बैनर छोटा था, पर जब ब्रूस गामा रेडिएशन से एक्सपोज होता है तब डेविल हल्क की पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है। इस हल्क की खास बात यह है कि ये एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता था, मतलब इसमें थोर टाइप की पावर्स थी, और इसीलिए ये वाला वर्जन हल्क की सबसे पावरफुल और ब्रूटल वर्जन में से एक है। नंबर 12, स्पाइडर हल्क। अब इसके नाम से ही पता चल जाता है कि ये स्पाइडरमैन और हल्क का एक कॉम्बिनेशन है। बेसिकली हम सबको पता है कि ब्रूस बैनर हल्क को लेकर कितना परेशान रहता है, और इसी का सलूशन लेकर लोकी आता है और ब्रूस बैनर से बोलकर हल्क और ब्रूस की पर्सनैलिटी को अलग कर देता है अपने मैजिक से। अब ब्रूस तो फ्री हो जाता है, पर हल्क की पर्सनैलिटी स्पाइडरमैन के अंदर आ जाती है। लोकी के हिसाब से मिडगार्ड पर उसके मैजिक के साइड इफेक्ट होते हैं, और स्पाइडरमैन का हल्क बनना उसी का एक साइड इफेक्ट है। और अब स्पाइडरमैन हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पर अपने आप पर से कंट्रोल खो देता है, लेकिन टाइम रहते फैंटास्टिक फोर स्पाइडर हल्क को शांत कर देता है और एक चेंबर में डालकर हल्क की पर्सनैलिटी को फिर से ब्रूस बैनर की बॉडी में डाल देता है। नंबर 13, जो फिक्सेट। अब जो फिक्सेट अल्टरनेट यूनिवर्स है, वहाँ ब्रूस अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करवा देता है जिसकी वजह से हल्क उसके बॉडी से अलग हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ब्रूस हल्क के बिना नहीं रह पाता, इसलिए वो वापस हल्क के साथ कंबाइन होने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट करता है, पर इस बार जनरल रॉस बीच में इंटरफेयर कर देता है, और तब ब्रूस का एक दोस्त एक्सपेरिमेंट के चपेट में आ जाता है और बन जाता है ग्रीन हल्क। ये देखकर ब्रूस बैनर का दिमाग और खराब हो जाता है और वो ग्रे हल्क बन जाता है। अब जो फिक्सेट का जो हल्का वर्जन है वो सबसे कमजोर में से एक है, पर ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और थड़की भी है। नंबर 14, डॉग ग्रीन या डॉक्टर ग्रीन। अब कॉमिक्स में एक बार कुछ निंजा लोग मिलकर ब्रूस बैनर को ठोक देते हैं,
और पता नहीं क्यों पर हल्क इस बार ब्रूस बैनर की मदद नहीं करता और आखिर में ब्रूस बैनर मारा जाता है। पर टोनी स्टार्क को ब्रूस बैनर की जरूरत थी, इसलिए वो एक्सट्रीमिस्ट नाम के वायरस से ब्रूस बैनर को फिर से जिंदा कर देता है। पर इस बार हल्क की जगह हमें डॉग ग्रीन देखने मिलता है। ये हल्क प्रोफेसर हल्क की तरह है, फिजिकल स्ट्रेंथ हल्क की लेकिन दिमाग ब्रूस बैनर का। नंबर 15, मैस्ट्रो। अब इसे हल्क का ओल्ड वर्जन भी बोल सकते हैं। बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट वायरस की वजह से डॉक्टर ग्रीन मैस्ट्रो बनने वाला होता है, लेकिन बनने से पहले वो अपनी बॉडी से वायरस को निकाल फेंकता है। पर एक टाइमलाइन में ऐसा नहीं होता है। आज से 100 साल बाद वहाँ एक न्यूक्लियर वॉर हो जाती है, जिसकी वजह से 90% ह्यूमैनिटी खत्म हो जाती है सुपर हीरोज के साथ। और ये सब देखकर हल्क के ओल्डर वर्जन का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। अब मैस्ट्रो हल्क से रूल करना जानता था और जो भी उसके एरिया में आ जाता मैस्ट्रो से जान से मार देता। एक बार तो 2099 वाला स्पाइडरमैन और कैप्टन मार्वल मरते मरते बच गए थे। पर दूसरे टाइमलाइन के प्रोफेसर हल्क को पता चलता है कि मैस्ट्रो कितना बेरहम बन चुका है, इसलिए वो मैस्ट्रो से फाइट करने आता है और डॉक्टर डूम के टाइम मशीन से मैस्ट्रो को उस समय पर भेज देता है जहाँ पर ब्रूस बैनर गामा रेडिएशन से एक्सपोज हुआ था। और उस धमाके की वजह से मैस्ट्रो की कहानी वही खत्म हो जाती है। नंबर 16, क्लर। अब ब्रूस बैनर जब गुस्सा होता है तब वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पर जब हल्क डिप्रेस या दुखी हो जाता है तब वो क्लर में ट्रांसफॉर्म होता है। ये बेसिकली हल्क का एक ब्लैक वर्जन है और इस वर्जन को ना तो हल्क कंट्रोल करता है और ना ही ब्रूस बैनर। वैसे तो क्लर्क बहुत इंटेलिजेंट है पर इसे तबाही करना ज्यादा पसंद है और इसी वजह से इसने अपने फर्स्ट अपीयरेंस में ही लाखों लोगों को मार दिया था। बात इस लेवल पे आ गई थी कि नोवा को अर्थ पे आना पड़ा और काफी फाइट करने के बाद क्लर्क को अर्थ से बाहर फेंक दिया था। नंबर 17, ग्रीन स्कार। अब इनक्रेडिबल हल्क को जब एलुमिनाटी टीम स्पेस में भेज देती है तब हल्क सगार प्लेनेट पर जा गिरता है और वहाँ उसे दिन रात किसी न किसी एलियन से लड़ना पड़ता था और तब सगार प्लैनेट पर हल्क को ग्रीन स्कार कहा जाने लगा। ग्रीन स्कार मतलब हल्क का सगार प्लैनेट का टाइम काफी दुख भरा और पेनफुल था। पर टाइम के साथ हल्क वहाँ का एक ग्लैडिएटर बन जाता है और शादी कर लेता है, पर एक बॉम्ब फटने की वजह से हल्क की फैमिली मारी जाती है और तब हल्क ग्रीन स्कार से बन जाता है वर्ल्ड वॉर हल्क और प्लैनेट सगार से अर्थ पे आता है इल्यूमिनेटेड टीम से बदला लेने। इस दौरान ब्लैक बोल्ट से लेकर फैंटास्टिक फोर और एवेंजर्स से लेकर बाकी सारे लो टियर सुपर हीरो को हल्क बहुत बुरी तरीके से मारता है। सेंट्री हल्क को बराबरी की टक्कर देता है पर दोनों आखिर में नॉकआउट हो जाते हैं। पर हल्क एक बार फिर से अपनी पावर रीगेन करता है और तब वो अपने फुल पोटेंशियल दिखाता है। उसके सिर्फ चलने से जमीन वाइब्रेट करने लग रही थी। वैसे वर्ल्ड वॉर हल्क से भी पावरफुल एक वर्जन है जिसे इमॉर्टल हल्क या वर्ल्ड ब्रेकर हल्क कहा जाता है। इमॉर्टल हल्क एक ऐसा वर्जन है जिसे जितनी बार मारना है मार दो ये वापस जिंदा हो जाएगा और बाद में चलकर इस हल्क की बॉडी को कंट्रोल कर लेता है वन बिलो ऑल। और इसके बाद तो हल्क अनस्टॉपेबल बन जाता है, उसका साइज प्लैनेट से भी ज्यादा बड़ा बन जाता है और वो यूनिवर्स में ट्रैवल करता है प्लैनेट्स और गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब अगला हल्क का वर्जन है हल्क पुल। बेसिकली एक बार कॉमिक्स में रेड हल्क की गामा रेडिएशन की वजह से सारे सुपर हीरोज हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और इन्हीं सुपर हीरो में से एक था डेडपुल जो बाद में हल्क पुल बन गया। अब ये हल्क का सबसे बैडास वर्जन में से एक है पर ये ब्रूस बैनर वाला हल्क नहीं है, इसलिए कई सारे सुपर फैंस इसे हल्क का वर्जन कंसिडर नहीं करते। पर ये वर्जन हल्क जितना ही पावरफुल है, लेकिन टाइमलाइन में ट्रैवल करने की वजह से इसने एक बार सारे सुपर हीरोज की ओरिजिन को इरेज कर दिया था और क्योंकि ओरिजिन ही नहीं बची तो यूनिवर्स में कोई सुपर हीरो भी नहीं था। और हल्क के ऐसे कई सारे वर्जन है जो काफी अंडररेटेड है, जैसे एक बार हल्क का एक आर्टिफिशियल वर्जन देखने मिला जो डॉक्टर ग्रीन ने बनाया था। फिर सैवेज हल्क है जो काफी पावरफुल है और थोर और कैप्टन अमेरिका का भी एक डेडिकेटेड हल्क वर्जन है। और वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए हमने एबोमिनेशन, रेड हल्क, रेड शी हल्क, व्हाट इफ का हल्क, मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स वाला इनक्रेडिबल हल्क, स्कार, प्रोफेसर हल्क और शी हल्क की बात ही नहीं की है। पर आज की वीडियो बस यही तक थी, लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको आज की वीडियो कैसे लगी और कौन सा हल्क का वर्जन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।